नमस्कार बच्चों, श्री एक्शन कन्या पीजी कॉलेज हिंडन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको सोशल वैल्यूज़ पढ़ाने वाले हैं, जो कि बीए सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर में हमें पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सोशल वैल्यूज़ क्या होते हैं। वैसे तो हम सब एक जनरल वे में जानते हैं, जो समाज के लिए लाभकारी, जो समाज में हमें सम्मान दिलाएं, वो सारी चीज़ें हमारे लिए वैल्यूज़ का काम करती हैं। लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है इस वैल्यूज़ के बारे में, उन सब के बारे में जानते हैं। बेटा, जैसे जैसे हम अपने परिवार में जन्म लेते हैं, तभी से हमारा जो, या जब अंदर गर्भ में, माता के गर्भ में हमारा पालन पोषण हो रहा, तब से ही हमारे अंदर वैल्यूज़ स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे हमारा जब हम पैदा होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं और सारी चीज़ें हमारे साथ जुड़ती जाती हैं, अच्छाई और बुराई भी। तो जो चीज़ें अच्छी होती हैं समाज के दृष्टिकोण से, हमारे खुद के लिए भी, जो हमें एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराती हैं, समाज में हमें सम्मान दिलाती हैं, वो सारी चीज़ें वैल्यूज़ की श्रेणी में आते हैं। लेकिन यहाँ राधा कमल मुखर्जी ने कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई किया है, आइए उनके पर्सपेक्टिव में सामाजिक वैल्यूज़ को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मूल्यों का अर्थ का मतलब है, मूल्य वे मानक हैं या आदर्श हैं जिनके आधार पर विभिन्न सामाजिक परिस्थितियां एवं विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। अब बात आती है यहाँ आदर्श और सामाजिक परिस्थितियां। आदर्श का मतलब होता है उच्च कोटि का आचरण, ठीक है, और सामाजिक परिस्थितियां, क्योंकि जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं, कभी खुशी है तो कभी गम है, कभी अकेलापन है, कभी हमें कष्ट सहन कर रहे हैं, कभी कभी तो डिप्रेशन वाली स्थिति आ जाती है। अब डिपेंड करता है कि आपकी जो परवरिश है कैसे माहौल में या समाज में हुई है, तो आप चीज़ों को किस रूप में ले रहे हो, उनको तनाव के रूप में ले रहे हो या उनको एक समस्या के रूप में ले रहे हो। अगर वास्तव में आपका जो समाजीकरण है, सोशलाइजेशन है, एक अच्छे वातावरण में हुआ होगा, तो शायद है तुम्हें छोटी छोटी जो बातें होती हैं, जो जीवन में रुकावट पैदा करती हैं, उनका सोल्यूशन आप अच्छे से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो रहा इसका मूल्यों का अर्थ। ऐसे बोलते हैं, ये तो मूल्य का मतलब वैल्यू से है यहाँ, लेकिन कभी कभी हम क्वालिटी की बात कर देते हैं, एक तरह से पूरक की तरह है। जैसे कि कोई ब्रांड है तो हम उसको खरीदते हैं क्या समझ के, क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी है, गुण है, वैल्यूज है। हम हमेशा अच्छी चीज़ों को एक तरफ, हमारा जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा क्यों जाता है, क्योंकि उनकी समाज में अपनी एक जगह है। ठीक है, ये बात अब हम इसको समझते हैं, इसकी एक डेफिनेशन जान लेते हैं। बेटा, पेपरों में अक्सर आती है डेफिनेशन, हार लॉम्बस के अनुसार, ये बेटा इंग्लिश में किताबें लिखते हैं, सो एक बहुत महान सोशियोलॉजिस्ट हैं, समाजशास्त्री हैं, इनके दृष्टिकोण से समझते हैं। मूल्य एक विश्वास है, कहने का मतलब हम किसी को अपना पराया कब समझते हैं, जब हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन कभी कभार सिचुएशन देखने में ये भी आता है कि हम जिस पर विश्वास करते हैं वही हमारे साथ धोखा या फरेब कर देता है, तो हमारा जो मनोबल है वो टूट जाता है और हमें उस तरह के लोगों से विश्वास हट जाता है। ठीक है, ये तो रही बात विश्वास की, जो यह बताता है कि अच्छा और वांछनीय, मतलब कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है और डिजायरेबल है, मतलब वांछनीय है, जो हमें के लिए बहुत ज़रूरी है, क्या महत्वपूर्ण है, लाभप्रद है, इनका मतलब किस चीज़ से हमें फायदा होने वाला है और प्राप्त करने योग्य है, जिसके लिए हमें क्या है निरंतर प्रयास करना है। तो ये सारी चीज़ें इस परिभाषा के माध्यम से हमने आपको बताई। एक और परिभाषा है बेटा राधा कमल मुखर्जी की, तो उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया है मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएँ हैं। सारी चीज़ें समाज के इर्द गिर्द घूमती है, समाज में कौन सी चीज़ सम्मानीय है। मान लो मैं अपना ही उदाहरण दूं, मैं एक टीचर हूं, मैं टीचर होने के साथ साथ मैं किसी का बेटा भी हूं, एक समाज का जिम्मेदार नागरिक भी हूं, देश का नागरिक भी हूं, तो इन सब के साथ साथ हमारे अंदर जो क्वालिटी है, मैं अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, पर अच्छे से आपको समझने और समझाने का प्रयास करता हूं और आप इससे फ़ायदा उठाते हो, तो आपका दृष्टिकोण, आप कैसे जज कर रहे हो कि वो वाले सर हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो भी है, कोई कोई तो मैं सब, कोई भी व्यक्ति सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता है, वहाँ कंडीशन अलग अलग होती हैं, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी महान हो, अपने आप में महान
होता है मान, ऐसी बात नहीं है, लेकिन किसी किसी के लिए वो वैसे भी किसी की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई। फिर है इसमें लक्ष्य हैं, इच्छाएं। समाज की हर की इच्छा होती है, हर मम्मी पापा की इच्छा होती है हमारा बेटा आईएएस बने, आरएएस बने, तो इस तरह। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सारी मेहनत के बावजूद भी सफलता से कुछ ही क्षण मतलब दूरी पर विश्वास मतलब हो नहीं पाती, तो ये भी चीज़ है। जैसे कि अभी एक बात पिछले साल की बात है, मंगलयान तुमने सुना होगा, अंतरिक्ष में भेजा गया मंगलयान 2, मतलब उसका जो रोवर उसका मतलब संपर्क टूट गया है थोड़ी सी मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। तो सारी चीज़ें हमारे पूरे देश की जो इच्छाएं थी वो सारी कैसी हो गई, धूमिल हो गई। लेकिन ऐसी बात नहीं, वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, आने वाले समय में मंगलयान 3 भी भेजा जा रहा है, गगनयान भेजा जा रहा है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। यही तो जैसे तुम चिट्ठी से सीखो, चिट्ठी क्या, एक छोटी सी चिट्ठी अपने से ज़्यादा वजन को उठाती है, है ये वाली बात है। ठीक है, तो ये बात हो गई। जिसका अंतरीकरण सीखने अथवा समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जो हमारे अंदर जो मूल्य हैं वो विकसित कैसे होते हैं बेटा, समाजीकरण, सोशलाइजेशन से। सबसे बड़ी बात है कि हमारी परवरिश किस माहौल में हुई है, किस संस्थान से हम पढ़े हैं उसका भी असर पड़ता है। आप किस माहौल में का मतलब है किस वातावरण में रह रहे हो। वातावरण दो तरह का होता है, एक सामाजिक होता है, एक प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक वातावरण का फर्क तो पड़ता है बेटा, लेकिन सामाजिक का कुछ ज़्यादा ही पड़ता है कि नहीं। तुमने देखा है छोटा बच्चा होता है, अगर वो ऐसे समाज में रह रहा है जहाँ लोग गाली वगैरह देते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो भी गाली देना सीख जाता है, पूरा पुल ट्रेंड हो जाता है। आप देखो गंदी बस्तियों में लोग छोटे छोटे बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें जानते हैं जो एक बड़ा व्यक्ति नहीं जानता है। कहने का मतलब है उसका जो समाजीकरण हुआ है वो किस तरह के परिवेश में हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें और है आगे, जो व्यक्ति निष्ठ अधिमान मानक तथा अभिलाषाएँ बन जाते हैं। जब हम सारे चीज़ें अचीव कर लेते हैं तो क्या है, हम समाज के लिए क्या बन जाते हैं, एक आइकॉन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बच्चों, आइकॉन बन जाते हैं, आदर्श बन जाते हैं, है कि नहीं, किसी का प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। तो ये तो रही बेटा मूल्यों की बात। अब कुछ मूल्यों के प्रतीक जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मूल्यों से जुड़ी हुई हैं। चलो यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं बेटा। मूल्यों के कुछ प्रतीक हैं, मूल्य और प्रतीक, इनसे समझते हैं कि कैसे हम इसका आइडिया लगाते हैं। प्रतीक, ठीक है, फर्स्ट इसमें देखो बेटा, भीड़। भीड़ भी बहुत कुछ संकेत करती है। दूसरा है, इसके बारे में अभी समझाऊंगा आपको, हित समूह, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ग्रुप। और तीसरा है बेटा इसमें समुदाय और समाज। क्या बेटा, समुदाय और समाज। अब इसमें भीड़ की तरफ एक एग्जांपल के टाइप में भीड़ को देखते हैं। भीड़ भी सामाजिक मूल्यों से जुड़ी हुई है। मैं ये नहीं कैसे, देखो तुमने देखा हो एक कोई नेता है, वो भाषण दे रहा है, कोई रैली को संबोधित कर रहा है, उसके में जो भीड़ आई है तो उससे भी क्या है आइडिया लगा लिया जाता है कि उस व्यक्ति की क्या है गरिमा या पद या उसकी समाज में वैल्यू कितनी होगी, भीड़ से भी आंकलन लगाया जा सकता है। लेकिन कभी कभी भीड़ कैसी होती है, जैसे कि कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ तब भीड़ हो गई, उस भीड़ का अलग मतलब है और फॉलोअर, जैसे कि मान लो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कितने लाइक, सोशल मीडिया से थोड़ा एक एग्जांपल देते थे छोटा सा, कि लाइक्स हैं, कितने फॉलोअर हैं, कितने कमेंट हैं, ये सारी चीज़ों से भी आंकड़ा लग जाता है। जिस व्यक्ति के ज़्यादा फॉलोअर हैं इसका मतलब है उसकी सोसाइटी में एक अपनी बहुत बड़ी इमेज है। तो भीड़ से भी बहुत ज़्यादा सामाजिक मूल्यों को समझा जा सकता है। अगर हित समूह की बात करें, इंटरेस्ट ग्रुप, कौन कौन से इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब है, कौन कौन से सामाजिक संगठन हैं जो समाज जिनके वैल्यूज़ हम अपने जीवन में धारण करते हैं और वो हमें किसी न किसी रूप में जब भी हम संकट के में होते हैं तो हमें समय समय पर प्रोत्साहन करते हैं और हमारी हेल्प करते हैं। ये है समुदाय और समाज। जब तक हमारा आचरण उच्च कोटि का नहीं होगा, हमारे अंदर वैल्यूज़ विकसित नहीं होंगे, तो एक बेहतर समाज का निर्माण नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। समाज जब समाज में अनियमितताएँ आ जाएंगी या कुछ ऐसे वेरियर्स आ जाएंगे जो बाधक आ जाएंगे, आपस में द्वेष ईर्ष्या वाली सिचुएशन हो जाएगी, तो कभी भी एक अच्छा समाज बन के तैयार नहीं हो सकता। समुदाय, समुदाय कब बनता है बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था, सामाजिक अंत्यक्रिया के माध्यम से बनता है। व्यक्ति के बीच में संबंध कैसे स्थापित होते हैं, अंत्यक्रिया के माध्यम से
मतलब दूसरे के एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपसी समझ कितनी है, उसके हिसाब से क्या है समुदाय का निर्माण होता है। अब इसमें क्या है मेन चीज़ ये है कि व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण होंगे, गुण मतलब क्वालिटीज़ होंगी, तो देन वो एक उसका नेटवर्क बहुत अच्छा, हर कोई उससे दोस्ती करना चाहेगा, हर कोई उसको अपने सामाजिक जो भी कार्यक्रम है उनमें बुलाएगा, अपना साथ चाहेगा ऐसे इंसान का। और ऐसा नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर कोई क्वालिटीज़ नहीं है, उसका व्यवहार गलत प्रवृत्ति का है, वो समाज को हमेशा तोड़ने की बात करता है, तो भला कौन सा व्यक्ति उसके साथ जुड़ना चाहेगा। तो ये तो रही वैल्यूज़ की बात। और आगे बच्चों इसमें हैं सामाजिक मूल्यों के प्रकार हैं कुछ, उनको देख लेते हैं, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन पेपरों में आता है बेटा और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है इसको। और आप लोगों पर सोशियोलॉजी की किताब तो होगी वैसे, और नहीं है जिन पर वो क्या है लाइब्रेरी से किताब ले लें, थोड़ा इनको एक कहानी के तौर पर पढ़ते रहें जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। जब तक ये ऑनलाइन व्यवस्था चल रही है, उम्मीद है कुछ दिनों बाद ऑफलाइन की भी व्यवस्था हो सकती है जैसा कि मतलब जानने में आया है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें, अभी थोड़ा थोड़ा किताबों से भी अपना सिस्टम बैठाएँ, ठीक है। जैविक मूल्य होते हैं बेटा कुछ, तो जैविक मूल्य के साथ साथ सामाजिक मूल्य होते हैं। अलग अलग विद्वान ने बेटा इनकी अलग अलग संख्या बताई, ऐसे मत कहना गुरुजी तुमने तो तीन बढ़ा के छोड़ दिए, ये ऐसा मत करना। अलग अलग विद्वान का अपना अपना मत है मूल्यों के बारे में। आध्यात्मिक मूल्य, इनको थोड़ा जान लेते हैं बेटा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जैविक मूल्य, जैविक मूल्य को इंग्लिश में बोलेंगे तो बायोलॉजिकल वैल्यूज बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल मूल्य वैल्यूज, आप समझ रहे होंगे, ये सोशल वैल्यूज होती हैं कुछ नहीं बहुत सारी होती हैं। आजकल व्यक्ति के पास वैल्यूज नाम की तो कहानी थोड़ी गड़बड़ है, समाज दूषित हो रहा है, आप समझ रहे हो, एक तो एक बड़ा बड़ा आदमी भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है आप सब देखते हो टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, अपने आस पड़ोस के माध्यम से अवलोकन करते हो, लेकिन हमें यहाँ ये सब चीज़ें नहीं बताऊँगा कि आपको क्या कैसे, कि मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि समाज में चीज़ें बहुत ही चिंताजनक हैं, इनकी तरफ बचते हुए हमें क्या है अपने जीवन निर्वाह करना है। एक मिनट, स्पिरिचुअल में थोड़ा दिक्कत ये है कि, ठीक है बेटा, ऐसे तो देखो तुम सोचो कितना भी राम राज्य आ जाए तो सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं तब हम अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करें, तो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जैसा चीज़ समाज में हो रही है थोड़ा क्या है हमें अपना हट के बीच का रास्ता निकाल के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना, ये हमारा बहुत ही परम कर्तव्य है। ऐसे नहीं कि जब चीज़ें अनुकूल होंगी तभी हम करेंगे, ऐसे कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम एक समाज की आवाज़ बन सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात रही मैं वैल्यूज़ के टाइप्स की, यहाँ मैंने लिखा नहीं, वैल्यूज़ के प्रकार, ठीक है बेटा। जैविक वैल्यूज़ में क्या आता है बेटा, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, सुंदर होंगे हम, हमारे स्वास्थ्य अच्छा होगा कहने का मतलब है मतलब शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, तभी तो हमारे अंदर अच्छे विचारों का स्वस्थ मस्तिष्क में कहते हैं ना स्वस्थ दिमाग विकसित होता है, क्या बात बिल्कुल सही है। और जब हम पीड़ित होंगे, हमें कोई रोग घेरा होगा, तो क्या हम अपने आप में अच्छी चीज़ें या बहुत ज़्यादा मतलब टैलेंटेड बन सकते हैं, तो नहीं है, कहने का मतलब है बायोलॉजिकल रूप से भी हमें बहुत ही स्वस्थ ताकतवर शक्तिशाली और स्वर चीज़ें होनी चाहिए, जेनेटिक रूप से भी हम बढ़िया हों, कहने का मतलब तुम देखो हमारे जो समाज में कुछ बहाँच महिलाएं होती हैं, क्या उनकी समाज में इतना इंपॉर्टेंस है, उनको क्या बेटा हीन दृष्टि से देखा जाता है हमारे समाज में। अब उनमें उनका तो कोई दोष नहीं है, जैसा कि ईश्वर ने उसको उनको बनाया है वो उनकी उनका तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कुछ और भी लोग होते हैं जैसे कि थर्ड जेंडर के लोग होते हैं, उनकी भी समाज में इतनी अच्छी स्थिति नहीं है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब है वैसे मेरे हिसाब से प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया है, किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया है, किसी को कुछ बनाया है, कुछ और भी बनाया है, बलवान बनाया है, ये सब चीज़ें भगवान प्रकृति की देन है, तो इसमें हमारा क्या है बेटा, जिस तरह से हमें जो भी परवरिश या वो है, जैसे ये तो जेनेटिक आनुवंशिक चीज़ें हैं, इसमें क्या है। तो समझ गए होगे आप जैविक मूल्य कौन से होते हैं। सामाजिक मूल्य की बात करें तो प्रेम, न्याय, संपत्ति, ये सामाजिक मूल्य, उदारता, सहनशीलता, मतलब
एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम, उसके अंदर अनुकूल परिस्थिति में उसको समझना, सामंजस्य, एडजस्टमेंट, सोशल एडजस्टमेंट, ये सारी चीज़ें सोशल वैल्यूज हैं। अगर हम बात करें आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के बारे में, तो हम पता जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक आनंद की अनुभूति कराती हैं, अपार आनंद। वो सब क्या है बेटा, किसी की जब हम आराधना करते हैं या आराध्य मान लेते हैं कि भगवान के रूप में, अगर हम उसको अपने अंतर मन में बसा लेते हैं, तो क्या हमें एक अनाग आनंद की अनुभूति होती है। जैसे कि मान लो कोई भी व्यक्ति किसी की भक्ति करता है, उस पर डिपेंड करता है, तो इसमें क्या होता है, हमें सत्य का ज्ञान हो जाता है कि नहीं। जैसे स्वामी विवेकानंद का जो दृष्टिकोण रहा है आध्यात्मिक पहलू पर, उन्होंने पूरे मतलब एक बार मतलब अमेरिका में संसद में संबोधित किया था धर्म से संबंधित, उन्होंने क्या है भाषण दिया था, पूरी दुनिया हिल गई थी। कहने का मतलब उन्होंने 48 मतलब एक छोटी सी उम्र में 48 साल की एज में पूरी दुनिया को अपने मतलब अपनी तरफ मोह लिया। कहने का मतलब है उनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति थी। जैसे कि आज वर्तमान समय में अगर हम बाबा रामदेव जी का नाम लें, सदगुरु एक महान पुरुष हैं, उनके बारे में अगर ऐसे जानेंगे, तो कहने का मतलब है अध्यात्म भी हमें क्या है, समाज को जोड़े रखता है और समाज में सद्भाव शांति बनाए रखता है। तो ये सारी चीज़ें, सुसंगति का मतलब है आध्यात्मिक रूप से हमें अगर अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच और हमारा जो विचार वाली श्रेणी है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, वो अच्छी विकसित होगी। और हम गलत लोगों कुसंगत लोगों के साथ रहेंगे तो क्या आएंगे, चोर चकोड़ी या उल्टे सीधे काम हम सीखेंगे। तो ये हमारे विचारों की पवित्रता है कि हमारे अंदर आध्यात्मिक मतलब सोच विकसित हुई है। वैज्ञानिक विकास कितना भी कर लो, अगर हमारा आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ तो हमारा समाज संगठित नहीं रह सकता है और सुपर पावर हमारा देश नहीं बन सकता। कहने का मतलब ये सारी चीज़ें, पवित्रता अपवित्रता दोनों ही हमारे समाज में स्वीकार है, लेकिन अपवित्रता को इतना तरह से स्वीकार करना थोड़ा क्या है, गलत बात है। इसको क्या है, समाज में सम्मान नहीं है, लेकिन चीज़ें दोनों देखने को मिलती है, एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में, गलत और सही दोनों हैं। लेकिन हमें अपने आचरण से, अपने शुद्धिकरण से, अपने व्यवहार से, अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने से क्या है, अच्छी चीज़ों को हमें ग्रहण करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो ये लेक्चर है आपको समझ आया होगा और आप निश्चित रूप से इससे लाभ उठाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।